Hey dear learners, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस, और आप लोग एग्जामिनेशंस में जब भी जाएं, है ना, जब भी आप ये वीडियो देखें, तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आपको करके जाना है, ये मान के चलना है, और इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो हम आशा यही करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो पढ़ के जाएंगे। तो बस फिर वीडियो अच्छा तो लगेगा ऐसे ही, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा यार, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देते हैं आप लोगों के लिए। तो देखो, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ डेटा, डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हिंदी में भी क्वेश्चन है ना, आप लोग जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश समझ लीजिएगा, उसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, देन इसके आगे चलते हैं, तो एक्सप्लेन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल, डिफाइन ट्री, एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ ए ट्री, व्हाट इज़ अ ग्राफ, डिस्क्राइब इट्स टाइप। तो ये इतने सारे क्वेश्चन एक में है, तो इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, एक साथ भी मिल सकते हैं। ओके, देन इसके आगे देखो, अब आपको क्या करना है, स्टेटिक और डायनेमिक इन डेटा स्ट्रक्चर को भी पढ़ लेना है, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस इनको भी पढ़ लेना है। ओके, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज़, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलते हैं अगली यूनिट पर, जहाँ पर पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टॉक, एक्सप्लेन अरे, इम्प्लीमेंटेशन, स्टेटिक ऑफ स्टॉक। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन स्टॉक, एक्सप्लेन पुश, पॉप और ट्रेवर्स। ठीक है, ये सारे आपको एक्सप्लेन करके बताना है। देन अगले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोलिश नोटेशन, एक्सप्लेन प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब यूज ऑफ स्टॉक रिकर्सन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इसके साथ साथ व्हाट इज़ क्यू, उसके बाद आपको ये भी ऑपरेशंस आने चाहिए, इंसर्ट, डिलीट, ट्रेवर्स, है ना। देन इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस, तो ये है राइट द कंपेरिजन्स ऑफ अरे, स्टॉक और क्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर क्यू। देन अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देन इसके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि लिंक्ड लिस्ट का निर्माण कैसे करते हैं, और इसके कुछ ऑपरेशंस को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एल्गोरिदम के रूप में फंक्शन, इसका कैसा एल्गोरिदम होता है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, व्हाट इज़ द इन्वर्जन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिलीशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। फिर इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होगा ये वाला, हाउ टू डिलीट ए नोड एट द स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ लिस्ट विथ पिक्टोरियल डायग्राम। देन इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज़ टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट, एंड अदर क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्लीमेंट ए ऑफ सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। एंड इसके बाद जो से प्रॉब्लम क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और व्हाट इज ट्री, एक्सप्लेन इज फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अगली यूनिट में आ जाएँ तो ट्री क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाना, बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन भी रट के जाना। ठीक है, इसके ऑपरेशन को भी करके जाना, इसका डिलीशन कैसे करते हैं, इन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद डिस्क्राइब थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, और उसके बाद डिस्क्राइब AVL, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो डिफाइन बी ट्री, ओके, और इसके साथ साथ बी ट्री में इन्वर्जन और डिलीशन को समझाइए, फिर बी प्लस ट्री को समझाइए, और बाइनरी ट्री के एप्लीकेशंस भी करके जाना है आपको। फोर्थ यूनिट में आ जाते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग, और फिर लीनियर सर्च, और उसके बाद बाइनरी सर्च, और इसके साथ साथ जो आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंसर्शन सॉर्ट विथ एग्जांपल विथ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा आगे भी लिखा है ना। डिस्क्राइब मर्ज सॉर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्विक सॉर्ट विथ एग्जांपल, गिव एल्गोरिथम ऑफ क्विक सॉर्ट। उसके बाद ये तो वही का वही क्वेश्चन है, बबल सॉर्ट भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर सॉर्टिंग सॉर्टिंग मेथड्स की कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका क्या करना है, राइट द कंपेरिजन ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स। ये चार यूनिट हो गए, इसके बाद आते हैं फिफ्थ यूनिट पे, हैश टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉलिजन की समस्या हम समझा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्राफ एंड इट्स टर्मिनोलॉजी है ना ये वाला, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट ये भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन रिग्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ, और उसके बाद स्पैनिंग ट्रीज का एग्जांपल जरूर पूछा जाएगा, इसको पढ़ के ही जाना, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सप्लेन शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है, इतने सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप हाँ अच्छा कुछ कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपके डेटा स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से, है ना, बाय बाय।